नमस्कार साथियों, न्यूज़ क्लिक में हम आपका स्वागत करते हैं। कभी उसके बारे में सोचिएगा जिसके जीवन में शिक्षा नहीं है, उसके लिए आज़ादी का क्या मतलब है? उसके बारे में सोचिएगा जो डॉक्टर के पास गया और कर्जे में डूब गया, उसके लिए आज़ादी का क्या मतलब है? और उसके बारे में सोचिएगा जिसके पास काबिलियत है लेकिन रोजगार नहीं है, उसके लिए आज़ादी का क्या मतलब है? इन सबको लेकर के इस 75वीं आज़ादी की सालगिरह पर जरूर सोचिएगा। तो इन सारे मसलों पर बात करते हैं आर्थिक मामलों के जानकार एसोसिएट प्रोफेसर नरेंद्र से। तो सर, आपसे पहला सवाल मेरा ये होगा कि अगर हम देखें गांव देहात में अब भी हम जाते हैं तो एक बहुत बड़ी जो फौज है वो पढ़ने के लिए तैयार नहीं हो रही है, यूनिवर्सिटी के लिए तैयार नहीं हो रही है, वो तैयार हो रही है मजदूर बनने के लिए। और ये आज़ादी के 75 साल बाद की नियति है उन लोगों की। तो तब से लेकर अब तक जो शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं और उन बदलावों से एक बहुत बड़ी आबादी मरहूम है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? बिल्कुल, मतलब 75वें साल हम बना रहे हैं आजादी के, और जो शिक्षा का स्तर है उसमें मतलब दो हिस्सों में बात करना चाह रहा हूँ। जो आपका प्रश्न है, एक तो ये कि कितने लोग जो हैं शिक्षा में आए हैं, मान लीजिए प्राथमिक शिक्षा कितने आए हैं, वो सेकेंडरी एजुकेशन में कितने हैं, और जो है हायर एजुकेशन में कितने लोग आ पा रहे हैं हिंदुस्तान में। उसमें हम देखें तो हम मान लीजिए हम यदि हायर एजुकेशन से बात करें तो किसी टाइम यहाँ पे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो था हायर एजुकेशन में, और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का मतलब है कि 18 साल से लेके जो 23 साल के जो बच्चे हैं या यूथ है वो कितने जो हैं वो कॉलेजों में यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। तो मैं यदि थोड़ा सा डेटा दूं उसमें तो आप देखेंगे कि 2007 में वो जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो था वो 12% था। इसका मतलब 18 से लेके 23 साल के बीच में जो जो यंग पॉपुलेशन, जो यूथ पॉपुलेशन है, उसका सिर्फ 12% जो है वो कॉलेजों में यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। और आज यदि हम उसको देखें 2022 में तो वो 27% है। तो आप देखिए कि शिक्षा जो है, जो खासकर जो हायर एजुकेशन, वैसे उसको हम पीछे भी ले जा सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षा में क्या स्थिति है या सेकेंडरी एजुकेशन में क्या स्थिति है। तो हम कह सकते हैं कि प्राइमरी लेवल पे हमने इंडिपेंडेंस के बाद एक लेवल पे हमने डेवलपमेंट किया है और कहीं ना कहीं यूनिवर्सलाइज करने की कोशिश की है, लेकिन उसमें ड्रॉपआउट की समस्या है, उसमें गैर बराबरी बहुत सारी है, एक्सक्लूजन है, उसमें अंदर क्लासरूम में जो है वो एक लेवल पे सोशल एक्सक्लूजन भी हमें दिख रहा है, ड्रॉपआउट है उस कारण से काफी हद तक। लेकिन यदि हम इसको आगे लिंक करें सेकेंडरी एजुकेशन में, तो सेकेंडरी एजुकेशन में हमें लग रहा है कि वो 50% हो गया है। कि मान लीजिए यदि प्राइमरी एजुकेशन में, प्राथमिक शिक्षा में वो 100% जो है आप कह रहे हैं यूनिवर्सलाइज कर रहे हैं, जबकि उसमें ड्रॉपआउट है, 10% ड्रॉपआउट भी है, और वो कई बार इन्फ्लेटेड फिगर भी है, चलो वो एक्चुअल मान लें हम डेटा गवर्नमेंट का, तो 50% जो है सेकेंडरी एजुकेशन में है। सेकेंडरी एजुकेशन का मतलब ये है कि जो अल्टीमेटली 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में जो बच्चे हैं वो 50% कह रहे हैं। और जैसे हम फिर उसको हायर एजुकेशन में, जहां से मैंने बात शुरू की थी, और हायर एजुकेशन में आज हम देखें 2022 में, तो सिर्फ 27% जो यूथ है वो हायर एजुकेशन में पहुंच पा रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी भी 73% मतलब क्या बोले इसको 73% जो है वो अभी भी यूथ जो है वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बाहर है। तो और उसमें भी आपने जो बात कही, दूसरी जो बात कही कि देखिए कि जो रूरल एरियाज में तो और स्थिति खराब है, मतलब जो रूरल अर्बन जो डिवाइड है वो तो और स्थिति उसके खराब है एक लेवल पे, कि आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो शहरों में ज्यादा है और जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो रूरल एरियाज में वो कम है। तो इसलिए देखिए कि जो 27% भी हम एनरोलमेंट की बात कर रहे हैं लेकिन उसमें भी रूरल और अर्बन डिवाइड है। तो एक प्रश्न तो ये है कि कितने जो है बच्चे या यूथ जो है वो शिक्षा में आया है इंडिपेंडेंस के बाद, और क्या स्थिति अभी क्रिटिकल हो रखी है। और उसमें मोटे लेवल पे मैं कहूँ कि उसमें एनरोलमेंट का इशू तो है ही, इंक्लूजन का इशू तो है ही, लेकिन साथ में ड्रॉपआउट का इशू है। तो एक बात तो ये है 70 सालों में हम ये देख सकते हैं, 2007 के बाद, मैं इसको 22 तक लाना चाह रहा हूँ, और उसमें खासकर 2014 से जो नई सरकार है अब 2014 से, वो क्या स्थिति बदली है और क्या हुआ है उसमें हमें और स्थिति मतलब एक तरह से दिक्कत दिख रही है। एक कि पहले तो जब भी फंडिंग थोड़ा होती थी या एक गवर्नमेंट की इंटेंशन थी कि थोड़ा, जैसे फॉर एग्जांपल राइट टू एजुकेशन की बात की गई, वो जो है वो एक तरह से
2006 में एक्टिव एजुकेशन जो है वो अल्टीमेटली वो इम्प्लीमेंट किया गया, और उससे ये कहा गया कि हम यूनिवर्सलाइज करेंगे प्राइमरी एजुकेशन को, और फंडिंग की बात भी कहेंगे हम स्पेंड करेंगे। लेकिन ये जो नई सरकार आई है 2014 से, उसने कहीं ना कहीं इस एश्योरेंस को आगे नहीं बढ़ाया, या एक तरह से कहें कि पब्लिक फंडिंग को नहीं बढ़ाया, और वो कम होती चली गई है। और यदि हम 2022 में देखें जो बजट में अभी जो कट है, हम सोशल सेक्टर की बारे में बात करेंगे, लेकिन जो इसमें एजुकेशन सेक्टर है उसमें यदि मैं सीधी बात करूं 2014 से लेकर 28 तक इन 8 सालों में पब्लिक फंडिंग बजट में वो कम होती जा रही है एजुकेशन के लिए, और जो प्राइवेट सेक्टर का रोल है वो बढ़ता जा रहा है। ये एक 75 सालों में बहुत बड़ा बदलाव है जो कि रेग्रेसिव बदलाव है। उससे जो हम बात कर रहे हैं, दो बातों के बारे में बात कर रहे थे कि एक की जो एनरोलमेंट जो है वो आपका प्राइवेट सेक्टर में बढ़ रहा है, उससे जो है वो गैर बराबरी और बढ़ेगी। और दूसरा ये है कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, जो शिक्षा का जो गुणवत्ता है, उसमें कमी आती हुई हमें दिख रही है, वो अलग अलग स्तर पे है। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे, और उसका मुझे लगता है कि यदि मैं उसको स्ट्रेट बेहद कह दूं, मुझे लगता है दर्शकों से कहना भी चाहिए कि सरकार ने एक तरह से हिंदुत्व वाली जो एजुकेशन है वो ज्यादा बुलडोज कर रही है। उससे जो है कहीं ना कहीं जो सेकुलर जो एजुकेशन है, जो डेमोक्रेटिक एजुकेशन है, खासकर मतलब सभी स्तर पे, हम इसलिए ये बातें भी आ रही हैं कि जो हिस्ट्री की जो बुक्स हैं उससे छेड़छाड़ हो रही है, उसमें जो है काफी इवन इकोनॉमिक्स बुक्स से जो है कहीं ना कहीं जो है वो छेड़छाड़ हो रही है। और उसके अलावा लास्ट पॉइंट ये कहूंगा कि फंडिंग तो आपने कम की, साथ में आप इस तरह की पॉलिसी ला रहे हैं जो जो गैर बराबरी को और बढ़ा रही है, जिसमें कि अभी का जो उदाहरण है वो है मुझे लगता है उसको उस तरह से हम लिंक करेंगे, नई शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में जिस तरह से कोविड के टाइम में इस सरकार ने वो इम्प्लीमेंट की, और इम्प्लीमेंट करते हुए उसका जो मेन एजेंडा है वो एक है कि निजीकरण किया जाए और शिक्षा का, और साथ साथ में जो है वो हिंदुत्व वाली जो शिक्षा है, जो सेकुलर और डेमोक्रेटिक जो एजुकेशन है उसको डिसमेंटल किया जाए। ये दो एजेंडे जो है सरकार के रह रहे हैं। तो एक तरह से मैं कहूँ कि 75 सालों में, पिछले 8 सालों में ज्यादा एक तरह से इक्विटी और साथ में जो सेकुलर और डेमोक्रेटिक एजुकेशन में उस पर अटैक है, और खासकर वो नई शिक्षा नीति के तहत। और उसमें जो लास्ट में उदाहरण देना चाह रहा हूँ इसी नई शिक्षा नीति का, वो है अभी जो हायर एजुकेशन में एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, यूजी जो है यूजी लेवल पे जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में टेस्ट है वो इम्प्लीमेंट किया गया, और जब हमने खबरें देखी दर्शकों बहुत सारी दिक्कतें हुई, इस तरह से स्टूडेंट जो है वो प्रॉब्लम में है। और साथ में सरकार को पता था, या ये पता होना चाहिए मुझे लगता है सभी लोग, और हम शिक्षक बोल रहे थे उस पॉइंट पे कि ऑलरेडी हम यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कोचिंग इंडस्ट्री जो है डेवलप हो रखी है IIT के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, मेडिकल जो एग्जामिनेशन है नीट जिसको हम कह रहे हैं, और IIT जो है, अब आपने एक तरह से एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है हायर एजुकेशन में कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो पब्लिक यूनिवर्सिटी या कॉलेज है उसके लिए भी कर दिया। तो उससे कहीं ना कहीं जो कोचिंग इंडस्ट्री, जिसमें मैं यदि और इसको आसान शब्दों में कहूँ कि यहाँ दिल्ली में बात करें या पटना की बात करें या और शहरों की बात करें, जिसमें कि एक व्यक्ति को या एक बच्चे को ऑन एन एवरेज 1 लाख रुपया मिनिमम, या कोटा इंडस्ट्री के बारे में, फैक्ट्री के बारे में बात करते रहे हैं, आम जनता उसको समझती है, वो स्पेंड करना पड़ रहा था बच्चे को। तो पहले तो सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए स्पेंड करना पड़ रहा था, पहले तो आपको डॉक्टर बनने के लिए स्पेंड करना पड़ रहा था उसके लिए कोचिंग के लिए, अब जो है आपको BA की डिग्री के लिए एडमिशन के लिए, या BSc की डिग्री के लिए, BCom की डिग्री के लिए एडमिशन के लिए, आपको इसमें भी लगभग 1 लाख या ज्यादा अमाउंट जो है वो पे करना पड़ेगा या अफोर्ड करना पड़ेगा। शिक्षा के आगे स्वास्थ्य पे थोड़ा बात करते हैं, तो अब भी हम देखते हैं गांव देहात में, या बहुत जैसे कि आप मेरा एग्जांपल ले लीजिए, मेरा पैर टूटा और मैं दिल्ली के एक हॉस्पिटल में गया, और वहां पर एक्सरे के लिए मुझसे 2500 रुपए मांगे गए। तो आप ये जो 75 साल बाद ऐसी स्थिति है कि हम तो उस वर्ग में आते हैं जिसे आप निम्न मध्यम वर्ग कह सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी आबादी है जिसके बारे में भारत सरकार का आंकड़ा कहता है कि भारत में 90% कामगार 25,000 रुपए से कम कमाते हैं, उनके लिए स्थिति तो बहुत भयंकर हो जाती होगी।
तो उस क्षेत्र के बारे में थोड़ा बताइए आप। बिल्कुल, मतलब यदि आपने जो एग्जांपल दिया बहुत बेहतर एग्जांपल है कि यदि 2500 रुपया जो है हमारे लिए मुश्किल हो रहा है, तो सोचिए कि एक लेवल आम आदमी में यदि मान लीजिए उसको एक कैंसर की बीमारी लग रही है या इवन टीबी की बीमारी लग रही है, तो जब वो लोन ले रहा है, खासकर रूरल एरिया का व्यक्ति जो है जिसमें कि हमारी पॉपुलेशन 70-80% है, तो उनकी तो पूरी इकोनॉमी उस परिवार की वो खराब हो जाती है, वो डेट ट्रैप में आ जाते हैं। तो पहले तो हम मानते थे किसान जो है वो डेट डेट ट्रैप में आते थे, तो वही मैं लिंक कर रहा हूँ कि अब तो जो शिक्षा ले रहे हैं वो डेट ट्रैप में आ रहे हैं, और उसके अलावा जो हेल्थ में जो एक्सपेंसेस जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो डेट ट्रैप में आ रहे हैं। और उसमें यदि हम मान लीजिए, वही मैं इसको और पीछे ले जाना चाह रहा हूँ कि घोरे कमेटी बनी थी इंडिपेंडेंस के टाइम में, उसने साफ कहा था कि आपको इन्वर्सलाइज करना पड़ेगा हेल्थ केयर सेक्टर को, और उसमें जीडीपी का आपको 3% स्पेंड करना चाहिए। तो घोरे कमेटी गई और डिफरेंट कमेटीज हेल्थ लेवल पे आई, उन्होंने इन्वर्सलाइज करने की बात की, उन्होंने 3% की बात की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और उसके तहत में ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, या समझ मतलब जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि अल्टीमेटली यदि हम अभी स्थिति देखें, जिसकी तरफ आपने रेफरेंस भी दिया कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारा रैंक जो है वो 131वां है, यदि हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स में देखें तो हमारा 101 जो है वो रैंक है, तो वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है कि कहीं में कि हेल्थ में हमारी क्या स्थिति है। इसमें यदि आंकड़ों में और हम जाएं तो उसको गहराई में देखें, तो हमें मालूम है कि जो यहाँ के बच्चे हैं स्टंटेड है, जिनकी जो हाइट है वो कम हो जाती है, उनका वेट जो है वो इम्बेलेंस होता है, वो इस टाइम जो है 35% है हिंदुस्तान में। तो 75 साल के बाद यदि 35% बच्चे यहाँ पे स्टंटेड हैं तो वो प्रॉब्लम है। सिमिलरली हमें डेटा मालूम है यदि हेल्थ लेवल पे हम देखें तो यहाँ की महिलाएं वो जो जिनके जो आयरन डेफिशिएंसी है वो इस टाइम जो है वो 55% है, मतलब जो महिलाएं हैं 55% जो है उनमें आयरन डेफिशिएंसी है। तो ये स्थिति तो हेल्थ इंडिकेटर्स की है यहाँ पे। और जहाँ तक हम दूसरी बात करें कि जी कितना हम ह्यूमन एक तरह से रिसोर्स या मैन पावर प्रोवाइड कर पा रहे हैं, उसमें और स्थिति खराब है। अल्टीमेटली WHO ये कहता है कि कम से कम जो है एक डॉक्टर जो है 1000 पे होना चाहिए, और इस टाइम हिंदुस्तान का जो है जो स्थिति है मतलब 1000 पॉपुलेशन पे यहाँ पे 0.6 है, मतलब लगभग आधा डॉक्टर है, मतलब 2000 पे एक डॉक्टर है। जबकि यदि हम कंपेयर करें चाइना और डेवलप कंट्री से वो 2 से लेके 3 डॉक्टर जो है 1000 जो लोगों के लिए जो सर्व कर रहे हैं। वैसे ही हम नर्सेज का देखें, नर्स जो और पॉपुलेशन जो है 1000 जो पॉपुलेशन है उसका जो रेशियो है इंडिया का 1.7 है, कि लगभग 2 नर्सें जो है 1000 जो लोगों को सर्व कर रही है हिंदुस्तान में आज। यदि ये कंपेयर हम करें चाइना अगेन या विकसित देशों से, तो वो 15 से लेके 17, 20, 22 जो है 30 जो है नर्सें जो है वो 1000 लोगों को इन देशों में जो है सर्व कर रही हैं। नॉट ओनली की जो विकसित देशों की बात कर रहे हैं, हम चाइना की बात भी कर रहे हैं जो पॉपुलस कंट्री है, जो जिसमें अच्छी खासी पॉपुलेशन है, और इंडिया के कंपेयर करें। तो जब ये स्थिति है तो उसमें अगेन जो आपने एग्जाम्पल भी दिया वो एग्जाम्पल हम भी दे रहे हैं, और साथ में जो इंडिकेटर्स हैं वो काफी लाइक रिग्रेसिव हैं। तो पॉलिसी लेवल पे COVID-19 में हमने देखा है कि किस तरह से, अगेन मैं इस सरकार पे ज्यादा आना चाहूंगा क्योंकि डिसमेंटल ज्यादा चीजें यहाँ से हो रही है। और वो इससे पहले कि मैं एक पॉइंट और कहूँ कि प्राइवेट स्पेंडिंग एक गरीब देश में, इनफैक्ट इस पर मैं रिसर्च भी करता रहा हूँ और मैंने लिखा भी है, न्यूज लिख के लिए भी लिखा है कि 73% आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है हिंदुस्तान के लोग जो है अपनी जेब से देते हैं। जबकि यही, और इसमें यदि हम अमेरिका से कंपेयर करें जो इतना विकसित देश है, इतना पूंजीवादी देश है, उसमें सिर्फ 11% अपनी जेब से लोग पैसा लगा रहे हैं। तो हाईएस्ट ग्लोबल लेवल पे हिंदुस्तानी खर्च कर रहे हो। तो उससे आपने जो बात कही कि 250-2500 रुपए आपको एक्सरे के देने पड़ रहे हैं, तो वही रिफ्लेक्ट इस डेटा में हो रहा है कि जितना स्पेंडिंग हो रहा है, जो हम कह रहे हैं कि गवर्नमेंट तो बिल्कुल लगभग 1.5 से भी कम जो है 1.2% स्पेंड कर रही है, और टोटल हम स्पेंडिंग देखते तो लगभग 4% है। इसका मतलब है 4% में से लगभग 3% जो है वो प्राइवेट सेक्टर घर के लोग हम स्पेंड कर रहे हैं। इसका मतलब है उन घरों में भी, उसमें हॉस्पिटल्स भी हैं, उसमें हम लोग भी हैं। मैं एक एग्जाम्पल इसमें एड ऑन और कर सकता हूँ जिससे कि और क्लैरिटी आ सकती है दर्शकों को, कि आप देखिए
सजेरियन जो है यहाँ पे, इस सजेरियन यदि ऑपरेशन होता है दिल्ली में, तो उसका यहाँ पे रेट, प्राइवेट रेट जो है, जो मिडिल क्लास दे रही है, वो है लगभग 2 लाख रुपया। तो ये 2 लाख जब जा रहा है, तो वो डेटा में मैक्रो लेवल पे दिख रहा है कि 73% स्पेंडिंग जो है वो एक्सरे के लिए भी किया जा रहा है, सर्जरीन के लिए किया जा रहा है, मेडिसिन के लिए किया जा रहा है, वैक्सीन के लिए किया जा रहा है, मास्क के लिए किया जा रहा है, मेडिसिन के लिए किया जा रहा है। तो ये स्पेंडिंग बहुत मेजर लेवल पे है। तो इसलिए यदि हम 75 साल के बाद आज ना एक व्यक्ति यहाँ पे शिक्षित अच्छे से हो सकता है इसमें बिना पैसे के, और ना जो है वो स्वास्थ्य के लिए अपना इंश्योर हो सकता है। और इसलिए मुझे लगता है सरकार में, यदि कोविड ने ये बात अभी भी नहीं समझी, इनकी पॉलिसी बोलती रही कि जो यूनिवर्सलाइज करेंगे हम 2.5% to 3% जो है जीडीपी का हम स्पेंड करेंगे हेल्थ केयर में, लेकिन आज तक वो इंश्योर नहीं किया है, इनफैक्ट वो डाइवर्ट किया गया है। वो हमने पहले भी देखा है, ऑक्सीजन के टाइम में भी देखा, वैक्सीन के टाइम में भी देखा। और मैं थोड़ा हल्का सा एक क्रिटिकल पॉइंट बोलना चाह रहा हूँ, हमें याद है जब प्रधानमंत्री ने ये कहा था, मोदी जी ने, कि सरकार जो है अपने आप वैक्सीन जो है उसका अरेंजमेंट करें। फिर बाद में उनको समझ आया कि नहीं नहीं ये तो हम कुछ ज्यादा ही बोल गए, और उसमें काफी चीफ मिनिस्टर ने बात भी की थी कि जी हम वैक्सीन बाहर के देशों से कैसे ला सकते हैं, हम आप हमारी सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, आप वैक्सीन हमें प्रोवाइड करिए। फिर लास्ट में जाके उन्होंने फिर इस बात को माना, और अब तो वो किया जा रहा था, लेकिन इंटेंशन ये है कि ना यूनिवर्सलाइज किया जा रहा है, और उसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, खासकर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है, वो 75 साल के बाद आज भी वो बहुत कम है, और वो हेल्थ में भी कम है, वो अराउंड वही 1.2% है, और शिक्षा में जो स्पेंड किया जा रहा है जीडीपी का, वो 3.4% है। दोनों क्षेत्रों में, सोशल सेक्टर में कम इन्वेस्टमेंट है, और ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि जो आपने पहले भी पॉइंट कहा कि मानवीय सूचकांक जो है हिंदुस्तान का बहुत वल्नरेबल है, और उसमें दोनों इंडिकेटर हेल्थ और एजुकेशन, उसका वेटेज जो है 1/3 और 1/3, मतलब कहने का मतलब है कि 67% जो शेयर है इन दोनों इंडिकेटर्स का है। तो जब तक सरकार, खासकर गरीब देश में, गैर बराबरी देश में स्पेंडिंग नहीं करेगी, तो ये रैंकिंग और ज्यादा वर्स होती रहेगी, और ये इम्प्रूव नहीं हो सकती जब तक कि गवर्नमेंट इसमें इनिशिएटिव ना ले। और ये एक स्थिति अगेन लास्ट 8 ईयर्स में खराब हो रही है मुकाबले के अच्छा। और भी सारे अध्ययन बताते हैं कि जो लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ रहे हैं, उनमें बहुत बड़ी आबादी ऐसी है कि अगर उन्हें महीने भर की सैलरी ना मिले तो वो गरीबी रेखा से नीचे चले जाएंगे, उनकी जीवन की दीवार टूट जाएगी। अगर उन्हें कोई बीमारी हो जाए तो जरा सोचिए उन पर क्या असर पड़ेगा, और कितना खतरनाक असर पड़ेगा, उनकी सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो जाएंगी। तो अब अंतिम रोजगार वाले पहलू पर चलते हैं, तो इसका तो मुझे अक्सर ये याद आता है कि जिनकी ज़िंदगी में रोजगार नहीं होता है, उनकी जीवन की पूरी संभावनाएँ मर जाती हैं, और उनके लिए आज़ादी का तो मतलब मेरे ख्याल से उनके व्यक्तिगत जीवन के लिए कोई मतलब नहीं होता होगा। वो अपने उस दौर में एक तरह से अंदर ही अंदर और बाहर से भी एक गुलामी वाली अवस्था में रहते हैं। और उसके बारे में आंकड़े ये हैं कि भारत में महज 40% आबादी किसी ना किसी तरह की रोजगार या रोजगार खोजने में लगी हुई है, यानी कि बहुत बड़ी आबादी रोजगार के क्षेत्र से बाहर है, और दूसरे देशों के मुकाबले यह बहुत कम है। भारत जिनसे तुलना की जा सकती है उनके मुकाबले बहुत कम है, चीन जहां पे 67% ये रोजगार दर है उसके मुकाबले बहुत कम है। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि आजादी से लेकर अब तक इसकी क्या स्थिति रही है। बिल्कुल आप ये सही कह रहे हैं कि जो एम्प्लॉय मतलब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है इंडिया का, वो बहुत कम है, वो 40% हो गया है। किसी टाइम कोविड से पहले जो था वो 45% था, और वो 45% भी ज्यादा नहीं था, लेकिन और कम हो गया है उससे। कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयमेंट कंडीशन है हिंदुस्तान की, वो काफी दयनीय दिखाती है। यदि कंपेयर करें जो आप भी डेटा बता रहे थे, 65% जो है वो चाइना का है। उसी में मैं ये दो बातें कहना चाहूंगा, उसके बाद दोबारा मैं इस रोजगार स्थिति पर बात रखना चाहूंगा। एक तो कि ये जो रेवड़ी कल्चर की बात जो है प्रधानमंत्री की तरफ से आई, वो एक वेलफेयर स्टेट को चेंज करने की बात है, और कहीं ना कहीं यदि उसको बिटवीन द लाइंस हम समझें तो अल्टीमेटली ये कहा जा रहा है कि सरकार अब कम रोल रखेगी, चाहे वो रोजगार सृजन का है, चाहे वो शिक्षा का है, चाहे स्वास्थ्य का है। वो 70 साल के बाद ये बहुत क्रिटिकल टाइम है, और यदि इस तरह का होता है तो बहुत कोविड में खासकर वो बहुत दुखदायी बात होगी। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए यहाँ पे अभी 2021 में 20 के मुकाबले जो टॉप कंपनियां हैं बीएससी की, 3000 कंपनियां हैं,
उनका जो प्रॉफिट है वो 9.3 लाख करोड़ रुपीज रहा, और यदि उसकी हम ग्रोथ रेट देखें तो वो 70% रही। तो कहां जो प्रॉफिट की ग्रोथ रेट है उन कंपनी की, जो टॉप कंपनियां हैं बीएससी की, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, उनका हमें 70% जो है ग्रोथ रेट दिखता है प्रॉफिट का। लेकिन जब वेज की बारे में बात कर रहे हैं कि लोगों को कितना पैसा मिल रहा है, कितनी आय दे रही हैं कंपनियां, तो उसकी जो ग्रोथ रेट रही है वो 13% रही है, नॉमिनल ग्रोथ रेट। लेकिन यदि हम इसको रियल लेवल पे देखें, यदि हम इन्फ्लेशन को डिस्काउंट करें, तो हमें मालूम है कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है अराउंड 7% रहा है। तो यदि मान लीजिए 13 में से 7 हटा भी दें, तो इसका मतलब है कि 6% जो है एवरेज ग्रोथ रेट रही है वेज की, और कहां 70% जो है वो प्रॉफिट का। तो ये स्थिति है कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि ये फंडिंग जो है वो प्रॉब्लमेटिक है, गवर्नमेंट सेक्टर का रोल इतना नहीं होता है, प्राइवेट सेक्टर कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं कल मध्य प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर को सुन रहा था, क्योंकि वहां पे एम्प्लॉयमेंट के बारे में उनका इंटरव्यू आ रहा था, तो उन्होंने वही बात कही जो गवर्नमेंट कह रही है, वर्ल्ड बैंक कह रहा है। क्या बोल रहे हैं कि देखिए अब तो है हमें सरकार इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर सकती है, अब हमें प्राइवेट सेक्टर की तरफ ध्यान देना होगा, या हमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करनी पड़ेगी। और ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हिंदुस्तान में याद रखना पड़ेगा अराउंड 50% है। इसका मतलब जो लोग अपना रेडी लगाते हैं या पटरी पे अपना सामान बेचते हैं, या जो संडे बाजार है, मंडे बाजार लगता है, या गांव में छोटे छोटे जो अपने दुकानें हैं, ये सारा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। वो कितना रोजगार उसे सृजित होता है और क्या उसके डिसेंट एम्प्लॉयमेंट है कि नहीं, या क्या स्थिति है हमें मालूम है। तो जब ये स्थिति है हिंदुस्तान की और सरकारें ये कह रही हैं, चाहे वो राज्य सरकार है चाहे केंद्र सरकार है, कि जी हमारा रोल नहीं है, उसे प्राइवेट सेक्टर का है, या ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करिए आप, तो ये दुखदाई बात है। इसमें मैं 2-3 पॉइंट और ऐड करना चाह रहा हूँ, जिससे कि और क्लैरिटी आए कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कम क्यों है हिंदुस्तान का। तो उसमें जेंडर परस्पेक्टिव भी है, ये हमें समझना होगा कि जेंडर परस्पेक्टिव ये है कि महिलाओं की जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो 9% है सीएमआई डेटा के अकॉर्डिंग। यदि पुरुषों की इस टाइम जो डेटा मेरे सामने पड़ा है उसको मैं कोट ही कर दूं यहाँ पे, पुरुषों का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जनवरी से लेकर अप्रैल 2022 में था सीएमआई के अकॉर्डिंग वो 66% था, और महिलाओं का जो जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट था जनवरी से लेकर अप्रैल तक वो 9% है। इस कारण से 40% दिख रहा है एवरेज उतना। तो इसका मतलब महिलाएं जो हैं कम नौकरी कर रही हैं, नौकरी करना चाह रही है, नौकरी करने के लिए डिमांड कर रही है, वो कहीं ना कहीं क्रिटिकल पॉइंट है। इसके अलावा एक पॉइंट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है हिंदुस्तान वो बहुत ज्यादा है उसमें, और उसमें यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा है। जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है इस टाइम, खासकर जो ग्रेजुएट्स हैं, ग्रेजुएट्स और सीएमआई का डेटा को मैं कोट कर रहा हूँ, इस टाइम जो 18% है, 18% जो ग्रेजुएट है उनको नौकरियां नहीं मिल रही थी और नौकरियां चाह रहे थे। और यदि इसको मैं यूथ पे ले लें, यूथ का जो डेटा है इसको 20 से लेके 24 साल के जो यहाँ पे यूथ है, जो युवा वर्ग है, उसका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो तो और भी भवाया है, वो बहुत ही क्रिटिकल है, और वो है इस टाइम 42%। और उसी से मैं फिर लिंक करना चाह रहा हूँ अब इस पॉइंट को कि 42% 20 से लेके 24 साल तक यदि यहाँ पे बेरोजगारी है यूथ के हिंदुस्तान में है 70 साल के बाद, तो गवर्नमेंट कह रही है कि हमारा रोल नहीं है। और यदि उस चीज को और हमें समझना है रेवड़ी कल्चर के अलावा, तो आपको अग्नि परीक्षा या अग्नि स्कीम, अग्निपथ स्कीम के थ्रू भी समझना होगा, जिसमें ये कहा जा रहा है कि आपको मतलब यहाँ का यूथ, रोज मैं गांव में देखता हूँ, जाता हूँ रूरल एरियाज में, रोज वो दौड़ लगा रहे होते हैं जिससे वो आर्मी का जो या जो डिफेंस सर्विसेज के जो एग्जाम होते हैं उसके लिए वो तैयारी करते हैं बच्चे या यूथ 17 साल का 18 साल का 19 साल का 20 साल का। लेकिन यदि उनको ये कहा जा रहा है कि आप 4 साल जो है आपके लिए हम नौकरी देंगे, और उसके अलावा वो भी 75% लोगों को, और 25% को जो है उसके अलावा रख सकते हैं, तो आप सोचिए कि कितना बड़ा चंक जो है ये एक तरह से अनएम्प्लॉयमेंट का या एक लेवल पे यूथ अनएम्प्लॉयमेंट का और क्रिएट किया जा रहा है। ऑलरेडी हमारे पास 40% जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, और सरकारें ये कह रही है कि इवन डिफेंस सर्विसेज में हम जो है एम्प्लॉयमेंट इस तरह का देंगे जो कि बिल्कुल ही इनडिसेंट होगा, वो बिल्कुल ही वनरेबल होगा, बिल्कुल ही दयनीय होगा, इसमें वेज कंडीशन भी पोअर होगी और कॉन्ट्रैक्चुअलाइज भी होगा। लास्ट पॉइंट में कहना चाह रहा हूँ कि सरकारी नौकरियां हैं, चाहे वो राज्य सरकार में है चाहे वो केंद्र सरकार में है, वैकेंसियां हैं। इसीलिए मोदी जी भी लास्ट में
इस पे मजबूर हुए कहने पे कि हम जी आने वाले 18 महीने में 10 लाख नौकरियां देंगे। इसका मतलब वैकेंसीज हैं, लेकिन हमें ये भूलना नहीं होगा, यही मतलब इस तरह का नेचर ऑफ गवर्नमेंट अभी, कि जो अल्टीमेटली नौकरियां उतना वेलफेयर स्टेट के रूप में नहीं देख रही है, और ये नया बदलाव है 76 साल में जो क्रिटिकल है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़े इन महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ अगर आप भारत की आर्थिक असमानता को जोड़ दें और उसके बाद जिस तरह की भारत की राजनीतिक व्यवस्था और उसके सत्ता प्रतिष्ठान है उसको जोड़ दें, तो अभी भी लगता है कि हम बहुत बड़ी आबादी को एक ऐसी स्थिति में पहुंचाने में नाकामयाब हो रहे हैं जिसे वो अपने लिए आज़ादी कहे। तो अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और बहुत अच्छे तरीके से आपने सब कुछ समझाया, शुक्रिया आपका।